नमस्कार दोस्तों, मैं काला नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन डेयरी फार्म पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों तक पहुँच सके। तो जो हमारा शुरू से ही प्रयास रहे कि आपको एक अच्छा पशुधन दिखाने का और लगातार रूटीन से हर रोज़ जो एक वीडियो अच्छे पशुधन या किसी भी सेल परचेज का पशुधन आपको दिखाने का जो हमारा प्रयास है। तो कोई भी भाई अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं आप सभी भाइयों को बता देना चाहता हूँ, जो आज हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं, ये वीडियो जो श्याम सुख गांव में मिला हुआ था वहाँ से हमने शूट की थी। तो आप देख पाओगे स्क्रीन पे काफ़ी शानदार शानदार मुर्गा के पशुधन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो ये भी हमने वीडियो शूट की है, इसमें आप जो पशुधन देख रहे हैं ये जो कैटेगरी है 2 से 4 दांत यानी 2 से 4 दांत कटड़े, जो यंग उम्र के कटड़े हैं उनकी रिंग अभी लगी हुई है। आप स्क्रीन पे देख पाओगे काफ़ी कटड़े जो है रिंग में कंपटीशन में लगे हुए हैं। जो मालिक है, हर मालिक को बहुत ज़्यादा उत्साह होता है कि अपने पशुधन को कंपीट कर पे तैयार करके और कंपटीशन में लगाएं और कौन सी पोजीशन हासिल करता है। तो हर जो युवा पशुपालक है, तो आप देख पाओगे स्क्रीन पे जो युवा पीढ़ी है उनका जो ये कंपटीशनों की वजह से काफ़ी रुझान रहा पशुपालक के तरफ है। तो आप देख पाओगे पशुपालन में जो युवा पीढ़ी का क्रेज काफ़ी हो चुका है और युवा पीढ़ी किसी भी तरह से नशे में या कोई भी गलत कार्य करने से उससे अच्छा है कि अपने घर पे पशुधन तैयार करें और अपना 2 पैसे इनकम का आएगा साधन भी बना सकता है। जो आप देख पाओगे स्क्रीन पे काफ़ी हाइट लेंथ का जो कटड़ा है, काफ़ी शानदार कटड़ा था। और जो जज साहिबान की टीम है, ये देखिए बिल्कुल बारीकी से, ये देखिए जो बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखा जा रहा है। और आप देख पाओगे काफ़ी, ये देखिए बिल्कुल एक एक जो बारीकी से देखा जा रहा है क्योंकि कटड़े काफ़ी थे रिंग में और कंपटीशन काफ़ी कड़ा मुकाबला रहा है। तो आप देख पाओगे, देखिए काफ़ी हाइट लेंथ का कटड़ा है, बिल्कुल प्योर ब्लैक कटड़ा जो मुर्रा की पहचान होती है, पीछे से चौड़ा आगे से पतला। आप देख पाओगे काफ़ी शानदार कटड़ा, ये देखिए रिंग में आप चारों तरफ देख सकते हो जो कटड़े हैं, एक से एक शानदार कटड़ा है, काफ़ी सुंदर। और जो तैयार करके पशुपालक अपने पशुधन को रिंग में लगाता है, तो ये देखिए जो ये कटड़ा था थोड़ा जो शरारत जरूर कर रहा था, लेकिन कटड़े की क्वालिटी देखे तो काफ़ी शानदार क्वालिटी थी कटड़े की। ये देखिए बहुत ही छोटे सिंगा कटड़ा, हाइट वेट की बात करें तो काफ़ी शानदार था कटड़ा। और बात करें कंपटीशन की, तो जो कंपटीशन होते हैं इनसे युवा पीढ़ी में और भी काफ़ी क्रेज आता है। तो आप देख पाओगे जो रिंग के चारों तरफ देखने के लिए भी काफ़ी पशुपालक आए हुए थे, और जो पशुपालक मेले में देखने के लिए जाता है तो उसको भी उत्साह होता है कि हम भी अपने घर पे एक अच्छा पशुधन तैयार करेंगे और जिससे आएगा 2 पैसे इनकम का साधन बन चुके हैं। तो ये देखिए बिल्कुल जो हर कटड़े को, ये देखिए बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ को, जो डॉक्टर साहिबान की टीम है बिल्कुल एक एक चीज़ को ये देखिए बारीकी से देखा जा रहा है कि कौन सा कटड़ा फर्स्ट और कौन सा कटड़ा सेकंड और कौन सा कटड़ा तीसरे नंबर पे रहता है। जो कंपटीशन लगा था इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही कटड़े चुने गए थे, और जो हर कंपटीशन में होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और जो आगे 4 कटड़ों को सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है, तो इस कंपटीशन में केवल 3 ही कटड़ों को लिया जाएगा। आप देख पा रहे हो बिल्कुल, ये देखिए जज साहिबान की टीम है जो बिल्कुल है अपने सूझबूझ से काफ़ी, ये देखिए बिल्कुल जो
जजिंग करनी होती है वो भी काफ़ी कठिन और मुश्किल होती है, क्योंकि किसी का भी कटड़ा है जो यही गलत ना हो जाए कोई। ये देखिए जो नॉलेज होती है वो भी काफ़ी जानकारी हुई जो मुर्रा के बारे में वो काफ़ी ज़रूरी होती है। देखिए कटड़े को घुमा फिरा के काफ़ी उससे देखा जा रहा है। तो जो ये युवा कटड़े हैं, यंग कटड़े हैं, 2 से 4 दांत हैं, बिल्कुल यंग और नौजवान कटड़े हैं। आगे जाके यही कटड़े जो है नस्ल सुधार में अपना काफ़ी योगदान रखेंगे और काफ़ी योगदान भी देंगे। और आप देख पाओगे जो कटड़े सभी कटड़े एक से एक बढ़कर शानदार क्वालिटी के कटड़े थे। तो ये देखिए जो बिल्कुल काफ़ी लंबे समय तक मुकाबला चला, तो हमने जो क्लिप छोटे छोटे शूट करके हमने आपके सभी भाइयों के सामने वीडियो लाने का जो प्रयास किया है। अब आपसे हमने ये वीडियो शूट किया तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए जो बिल्कुल सभी कटड़ों को एक साथ खड़ा करके एक एक चीज़ को बारीकी से देखा जा रहा है, एक दूसरे कटड़े से जो है कंपैरिजन भी किया जा रहा है कि कौन सा कटड़ा शानदार है। पास खड़ा करके देखा जा रहा है कि हाइट लेंथ क्वालिटी कौन से कटड़े की शानदार है। वीडियो बिल्कुल आखिरी जो है बिल्कुल अंतिम शरण में है, जो मुकाबला था बिल्कुल आखिरी शरण में ही सभी कटड़े को एक साथ किया गया है और देखते हैं कि कौन सा कटड़ा पहले स्थान पर और कौन सा कटड़ा है जो दूसरे स्थान पर रहेगा। तो ये देखिए काफ़ी शानदार जो कंपटीशन हुआ है। ये देखिए जो तीन कटड़े हैं, ये तीनों कटड़े चुन लिए गए हैं, तो देखेंगे कि कौन सा कटड़ा जो पहले स्थान पे और कौन सा कटड़ा दूसरे स्थान पे लिया गया है। तो ये देखिए आप देख पाओगे काफ़ी समय के बाद जो मुकाबला हुआ था, तो आप देख पाओगे स्क्रीन पर देखिए तीनों कटड़ों में से देखेंगे कौन सा कटड़ा को पहला स्थान मिलता है और कौन सा को दूसरा। तो देखिए जो ये एक विक्रम भाई साहब है, उनकी वीडियो भी मैंने शूट की हुई है। तो उनका कटड़ा पहले स्थान पर है, उनसे बात करें। अपना नाम बताइए भाई। विक्रम नाम है, भिवानी जिले का गांव मनाना। भिवानी जिला चैंपियनशिप के काम में, भिवानी जिला गांव मनाना। अपना नाम है विक्रम सिंह। का ये कटड़ा भाई साहब का देखिए 2 से 4 दांत में पहले नंबर पे आया। आप देख सकते हो बहुत ही शानदार, बहुत ही सबसे ऊंचा लंबा कटड़ा था और ये दूसरे नंबर पे ये कटड़ा रहा। तो अपना कटड़ा कौन से स्थान पे रहा? दूसरे स्थान पे रहा। क्या नाम है भाई साहब अपना? सुरेश गाँव खरड़ा लिपर है। और ये देखिए भाई साहब खरड़ा लिपर से सुरेश का कटड़ा दूसरे स्थान पे रहा। और जो तीसरे स्थान पे कटड़ा ये रहा, ये भाई साहब जमालपुर से अनिल जमालपुर। तो ये देखिए भाई साहब का कटड़ा अनिल जमालपुर का जो तीसरे स्थान पे रहा, ये देख सकते हो। ये देखिए पीछे से आपको कटड़े दिखाएंगे तो ये देखिए बहुत ही शानदार कटड़े है। जो ये एक नंबर पे खड़ा है, ये तीसरे नंबर पे, और जो ये कटड़ा है ये दूसरे नंबर पे, और जो फर्स्ट कटड़ा रहा है ये विक्रम भाई साहब का आप देख सकते हो। ये देखिए बहुत ही बड़े साइज का कटड़ा, बहुत छोटी उम्र में भाई साहब ने कटड़ा तैयार किया आप देख सकते हो। ये देखिए जो पहले स्थान पर